क्या हुआ यशोदा, होश आया मेघा को? नहीं राकेश, वो अभी भी बेहोश है। पता नहीं उसे कब होश आएगा। मेरी समझ में नहीं आता ये ऐसी हरकतें करती क्यों है लड़की। अरे कोई तरीका होता? राकेश ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। ये सब तुम ही लोगों ने उसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ। अच्छे घर के बच्चों के तौर तरीके तो उसे आते ही नहीं है। अंकल, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, गलती मेरी है। मैंने ही उसे फोर्स किया था ठंडाई पीने के लिए। सोके ईशा, मेघा की तरफ से हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। वो बच्ची है ईशा। आंटी, आपके माफी मांगने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस घर का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक मेहमान हूं। मेघा मेरी बहन जैसी है, और फिर किस घर में दो बहनों में झगड़ा नहीं होता। घर बेटा, मेघा हमसे ज्यादा तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बात सुनती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अविनाश? ये बात तो सच है ना बुआ जी। बेटा, तुमसे कोई भी बात छुपी तो नहीं है ना? तुम प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो कि हम उसके दुश्मन नहीं है। जी अंकल, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। कावेरी, रिमझिम कहाँ है? मंदिर में है। मेघा को होश आया? नहीं, तुम क्या सोच रही हो? पता है भाभी, जब मेघा हमारे पेट में थी तब हमें कैंसर था। एक तरफ हमारे कई सालों की जिंदगी, और दूसरी तरफ हमारी छोटी सी मेघा। हमें चुनना था और हमने हमारी मेघा को चुना, और आज हमारी बच्ची हमसे कहती है कि हम उसे मारना चाहते हैं, हम उसके दुश्मन हैं। नहीं रिमझिम, ऐसी बात नहीं है। मेघा की सोच को एक झूठ ने गलत रास्ता दे दिया है, ये तुम भी जानती हो और हम सब जानते हैं। और अगर इस झूठ को कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो रिमझिम, सिर्फ तुम। कैसे भाभी? रिमझिम, तुम ही कहा करती थी ना कि हर काली रात का एक सवेरा होता है। तुम अपनी बातों को भूल गई हो रिमझिम। भाभी, वो आपकी बात तो मानती है ना? आप उससे बात करके देखिए, अगर उसे ऐसा लगता है कि हमारे यहां से चले जाने से सब ठीक हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। रिमझिम, अब बहुत हो गया है। रिमझिम, आज तुमने ये बात कह दी है, एक बड़ी देवरानी होने के नाते आज मैं तुमसे कहती हूं, अगर ऐसी बात तुमने दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा। हाय। हाय, खेलो। क्या ये? आप कैसा लग रहा है? I'm okay, क्यों? Actually,
गोली में तुमने कुछ ज्यादा ठंडाई पी ली थी। तुम यूसु नहीं हो ना? सवेरे से कुछ खाया नहीं, खाना भिजवा दूं? आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आई एम फाइन। यानी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? दैट्स ग्रेट। नहीं, कुछ नहीं। अपना ख्याल रखना। बाय। एनीवेज, यू टेक केयर। बाय। बाय। थैंक्स बेटा। I'm really sorry. वो जिस तरह से मैंने Sorry for what? तुम किस बात के लिए sorry कह रहे हो? तुम समझी नहीं इशा। Actually, you know, ये जो मेघा है ना, दिल की बहुत अच्छी लड़की है, बुरी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ जिस तरह इसने नशे में तुम्हारी बेइज्जती करी है, तुम उसे सोचकर कोई गलत कदम मत उठाना। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जब तक रिमझिम आंटी मुझे खुद नहीं कहती, तब तक मैं इस दहलीज के बाहर कदम भी नहीं रख सकती। कमाल है, रिमझिम आंटी के लिए इतनी इज्जत। इज्जत तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं उनकी पूजा करती हूँ। समझ में नहीं आता, एक तरफ तुम हो जो कि इनकी इतनी इज्जत करती है, एक तरफ मेघा है जो कि उनसे इतना नफरत क्यों करती है? पूरी तरह तो मैं भी नहीं जानती। कर, एक रिक्वेस्ट है तुमसे। रिक्वेस्ट? श्योर, कहो ना। तुम कभी मेघा को हर्ट तो नहीं करोगे ना? नहीं ईशा, तुम शायद हमारे इस रिश्ते को समझी नहीं। यू नो, बचपन से ही हम लोग इतना लड़ते हैं। दिन में अगर एक दो बार लड़ाई ना हो ना, भाई मुझे तो खाना आजम नहीं होता। वी जस्ट लाइक दिस। एनीवेज, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। लेकर जाइए ये। छोड़ो अब अपना गुस्सा। तुम यही चाहती थी ना कि ईशा को तुम्हारे कमरे से शिफ्ट कर दिया जाए। हमने उसे दूसरा कमरा दे दिया। कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। और मैं भी जानती हूँ कि ये आइडिया किसका है। कि जिसकी तुम बात कर रही हो ना रिमझिम, वो तुम्हारी माँ है। एक बात उस औरत को आप अच्छी तरह से समझा दीजिए, मेरा और उसका रास्ता अलग है। वो मेरे नजदीक आने की कोशिश ना करे, और उसकी जो चमची है ना ईशा, उसको भी मुझसे दूर रखे। वरना पागलपन में आके अगर मैंने कुछ कर दिया तो बहुत पछताएंगे तुम। मॉम, मेघा की जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई है, और अगर इसी तरह टॉर्चर और टेंशन सहती रही ना, तो उसका करियर उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। देखो बेटा, मेघा को अपने फ्यूचर की कितनी चिंता है ये तो हम सभी देख ही रहे हैं। और ये मत भूलो कि उसी की जिंदगी बचाने की खातिर रिमझिम ने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में गुजारे हैं। कमान अंकल, ये सब कुछ एक कहानी भी तो हो सकती है, और अगर ये सच होता तो मेघा रिमझिम आंटी से इतनी नफरत क्यों करती? मॉम, मेरी ये बात शायद आप लोगों को सुनने में बड़ी बुरी लगे, लेकिन सच यही है कि रिमझिम आंटी का इस घर में रहना ठीक है। क्या कहा तुमने? रिमझिम का यहां रहना ठीक नहीं, यही कहा ना तुमने अभी? विकी, भगवान ना करे तुम कभी ऐसी मुसीबत में घिर जाओ कि तुम्हारा वहां से बच के निकलना मुश्किल हो जाए, तो यही रिमझिम।
यही रिमझिम तुम्हें वहां से बाहर निकालेगी और तब तब विकी तुम्हें अपने सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। जस्ट चिलांगे, विकी को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कभी किसी की जरूरत नहीं होती। और हाँ, स्पेशली किसी मर्डर की जरूरत तो कभी नहीं पड़ती। स्टॉप इट विकी। हाँ, सच हमेशा कड़वा ही होता है। रुकिए देवर जी, किसी और पर सारा इल्जाम लगाकर आप कहाँ जा रहे हैं? सारी गलती एक से ही हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना? क्यों पापा, ठीक कह रही हूँ मैं? मानती हूँ देवी जी, छोटी मम्मी से किसी का खून हुआ है, वो 14 साल तक जेल काट कर आई है, ये भी मान ली, लेकिन गलती क्या सिर्फ छोटे करते हैं? बड़ों से क्या कभी कोई गलतियां नहीं होती? और वैसे भी जो गलती उनसे हुई है उसकी बहुत लंबी सजा काट चुकी हैं वो, पुरानी बातों को भूल जाने नहीं मिला। ठीक कहा ना देवी जी? फादर इन लॉ, मैंने क्या कुछ गलत कहा? आपकी बहू हूं ससुर जी, आप तो मेरी बातों पर गौर ही नहीं करे। मैंने एक बात गलत कह दी कि पुरानी बातों को भूलने में ही भलाई है, जबकि मैं कोई पुरानी बात नहीं भूली। और वैसे भी ये घर तो बर्बादी की कगार पर ही खड़ा है, बची कुछ ही कसर मैं पूरी कर दूंगी। चुप, गुस्सा आ रहा है? Poor you. इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। आप क्या करोगे? आप एक काम करिए, अपने कमरे में जाइए, एक ग्लास ठंडा पानी पीजिए, गुस्सा कम हो जाएगा। जाइए ससुर जी।
ईशा। जी आंटी। ईशा हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। मेघा ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, हो सके तो प्लीज ये सब भूल जाओ। हम क्या कहें, हम सबको और इस घर को छोड़कर मत जाओ। आपको क्या लगता है, इतनी सी बात के लिए मैं इतना सब कुछ खो दूंगी? एका की एक गलती की वजह से मैं आप सबसे रिश्ता तोड़ दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। पता है आंटी, पापा हमेशा कहा करते थे रिमझिम बहुत स्ट्रांग है, पर जब से मैं आई हूं आपकी आंखों में आंसू ने परमानेंट जगह कर ली है। तुमने मेघा को माफ कर दिया ना? प्लीज आंटी, अब आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आंटी, आपकी दी हुई इस जिंदगी से मेरा वादा है, मैं गर्व और मेघा के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मेघा तो खुद नहीं जानती कि वो गर्व से कितना प्यार करती है।